गाजीपुर के थाना मर्दा में शादी के लिए वधु पक्ष को शिव मंदिर लेकर जा रही बस हाईटेंशन वायर की जद में आ गई और बड़ा हादसा हो गया। शादी का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया। ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौके पर ही झुलस कर मौत हो गई। हादसे में घायल लोग मऊ के अस्पताल और गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। गाजीपुर में कुल 5 घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर जिलाधिकारी गाजीपुर ने हादसे की पुष्टि करते हुए लापरवाह बिजली कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं घायलों से मिलने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी भी पहुंचे और घायलों से मिले और बिजली विभाग की लापरवाही बताकर दोषी स्थानीय अधिकारियों और लाइनमैन पर कार्रवाई की बात कही। वहीं उन्होंने बिजली कर्मियों के लाइन चेकिंग अभियान और ताबड़तोड़ FIR और अवैध वसूली पर भी सवालिया निशान उठाया। उन्होंने सरकार को कहा कि जर्जर व्यवस्था को जल्द सही कराया जाए। तो वहीं देर शाम हादसे के बाद गाजीपुर पहुंचे बिजली मंत्री AK शर्मा ने हादसे पर दुख जताते हुए लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया। AK शर्मा ने हादसे के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए बताया कि हादसे के बाद गाजीपुर के XNSDO और JE को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और लाइनमैन की सेवाएं समाप्त करके इनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ अभी और कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने गाजीपुर जिला प्रशासन की तारीफ की। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में जर्जर तारों को बदलने का कार्य किया जा रहा है और यह हादसा बता रहा है कि यहाँ लापरवाही हुई है। आज यहाँ मर्दा में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें बिजली का तार एक बस को स्पर्श करने की वजह से बस के यात्रियों को नुकसान हुआ, बस को नुकसान हुआ। मैं घटनास्थल पर भी जाके आया हूँ। बस बुरी तरह से जली हुई है और 5 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ 5 लोग गाजीपुर में एडमिट हैं और 4 या 5 लोग मऊ में भी एडमिट हैं। बहुत ही दुखद घटना है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। बिजली विभाग के लोगों की सतर्कता इस दृष्टि से बढ़नी चाहिए, इसका मैं स्वयं मैं आभास कर रहा हूँ। और उन्होंने जो लापरवाही की है उसके मद्देनज़र कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। XNSDO और JE को हमने तुरंत निलंबित किया है। जो लाइन मैन थे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसी घटनाएं फिर न हो इसके लिए हमने चेयरमैन को भी सूचना दिया है कि इससे क्या क्या लेसन ले सकते हैं। वो लेसन लेते हुए भविष्य में पूरे राज्य में ऐसी घटनाएं न हो इसका ध्यान रखा जाए। मैं स्थानीय प्रशासन की बहुत प्रशंसा करता हूं, DM, SP और अस्पताल के प्रशासन की, कि मैंने जैसे ही खबर मिली मैंने DM को फ़ोन किया, उनको सारी जानकारी थी, SP भी मौके पर मौजूद थे। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं उनके कार्यों की और आशा रखता हूं कि जो घायल हैं वो शीघ्र ईश्वर उनको ठीक करेंगे, जो दिवंगत हो गए हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति देंगे और उनके परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति देंगे। मंत्री जी, कई जगह जो आज घटना हुई है, कई जगह तार जर्जर तमाम शिकायत, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं न हो। बहुत से तार खंभे बदले जा रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बात का गांव के लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले भी एक घटना हुई थी, उसके बारे में भी यहाँ स्थानीय अधिकारियों को बताया गया था। बहुत ही गंभीर बात है, मैंने उसका संज्ञान लिया है और बहुत ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना हो उसके लिए हम लोग सतर्कता बरतें, ऐसा हमने पूरे तंत्र को सूचना दिया है। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, UP तक।